जूली और आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। कौन बनेगा करोड़पति देश भर के दर्शकों का पसंदीदा शो है। इस शो में देश के कोने कोने से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। खूब सारा ज्ञान, धनराशि जीतने का मौका और अमिताभ बच्चन के सहज व्यवहार के कारण इस शो को काफ़ी पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि इस समय KBC का 13वां सीजन चल रहा है। ये शो हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आता है। इसके शुक्रवार वाले एपिसोड में कई सेलिब्रिटीज़ अक्सर किसी खास मकसद से शिरकत करते हैं। इसी सिलसिले में कल यानी कि बीते शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कोरियोग्राफर फराह खान ने हिस्सा लिया। इस एपिसोड में उन्होंने बताया कि इस खेल में जीती गई धनराशि से वो 17 महीने के मासूम आयांश की मदद करेंगी। आपको बता दें कि पटना के रहने वाले आयांश को एक रेयर बीमारी है जिसके लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन का लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो अपने ही सेटअप किए मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के लिए आई हैं। इसके बाद फराह खान बताती है कि वो यहाँ एक 17 महीने के बच्चे आयांश के लिए आई हैं। इसके बाद इमोशनल हुई फराह खान कहती हैं कि जब आयांश 2 वर्ष का होगा तब एक दवाई ज़ोलगेंसमा से उसका इलाज किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। इसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए और इससे इसका जीवन बचाया जा सकता है। हम आयांश को बचाना चाहते हैं। इस एपिसोड में आयांश की माँ का भी एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें आयांश की माँ अपने बेटे और उसके बीमारी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि शुरुआत के 6 महीनों में सब कुछ ठीक रहा लेकिन इसके बाद आयांश के हाथ पैर सही से काम नहीं कर पा रहे थे। इसको लेकर डॉक्टर्स ने बताया कि आयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। आयांश की कहानी सुनकर अमिताभ बच्चन भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता नहीं कि मुझे ये बात आप अभी करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन फरहा मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इस कार्य में सहयोग करना चाहता हूँ। मैं आपको राशि बाद में बताऊँगा, मुझे अभी यह चर्चा नहीं करनी है। अमिताभ बच्चन की बात सुनकर फराह खान हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त करती हैं। वहीं अमिताभ बच्चन अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि वो आगे आए और आयांश की सहायता करें। आपको बता दें कि आयांश को एक रेयर बीमारी है जिसके लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए आयांश के माँ बाप ने लोगों से मदद की अपील भी की थी। इसके बाद से अब तक 6 करोड़ रुपए जमा कर लिए गए हैं लेकिन अभी भी 10 करोड़ रुपए कम हैं। जब फराह खान ने अमिताभ बच्चन को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक इंसान सिर्फ 10 रुपए की सहायता भी करे तो आयांश के लिए बाकी बचे 10 करोड़ का इंतज़ाम किया जा सकता है और आयांश की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने आम जनता से कहा कि आप आगे आएँ और आयांश की मदद करें। इसी तरीके की और भी कई खबरें हैं जो हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप इन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।